फर्स्ट एडिटम लिस्ट द फर्स्ट फाइव ट्रम्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. एक सीक्वेंस लिख रही हूँ मैं, सीक्वेंस की nth ट्रम है, सीक्वेंस की जो nth ट्रम है आपके पास, ए एन इज इक्वल टू 1 प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n. ये है आपके पास सीक्वेंस की nth ट्रम. आपको क्या करना है, लिस्ट द फर्स्ट फाइव ट्रम्स ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. इस सीक्वेंस की पहली पांच ट्रम लिख के बतानी है, इसकी पहले पांच टर्म्स लिख के बतानी है सीक्वेंस की. तो जो ये n है ये किसमें बिलोंग करते हैं, नेचुरल नंबर्स में. नेचुरल नंबर में बिलोंग करते हैं तो क्या क्या वैल्यू हो सकती है, 1, 2, 3, 4, 5 आगे भी पुट कर सकते हैं, लेकिन हमें पहली पांच टर्म्स चाहिए तो 1 to 5 तक पुट कर देंगे. तो आपके पास जो सीक्वेंस की टर्म आएगी a1 में क्या वैल्यू आएगी, 1 प्लस. a1 plus minus 1 raised to power 1 क्या आ जाएगा 1 minus 1 की power 1 minus 1 ये हो गया 0 फिर a2 निकालना आपने second term निकालोगे तो n की जगह पे 2 put करोगे यहाँ पर 1 plus minus 1 raised to power 2 1 plus minus 1 का square 1 ये आ गया 2 फिर आपने a3 निकाला है सही यहाँ पर 1 plus minus 1 की power 3 1 minus 1 0 फिर a4 निकालो तो 1 plus minus 1 की power 4 ये आपके पास आ गया 1 plus 1 2. फिर आपने a5 निकाला, a5 की क्या वैल्यू आ जाएगी जो 1 plus minus 1 की power 5 1 minus 1 is equal to 0. तो जो सीक्वेंस की फर्स्ट फाइव टर्म्स आई ना आपकी वो क्या आ गई, 0 फिर 2 फिर 0 फिर 2 फिर 0 अप टू 4 ऐसे ही चलते हैं. ठीक है, ये था आपका फर्स्ट पार्ट. फिर उसके बाद इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, a1 is equal to 1 और an+1 दे रखा है आपके पास, 3an+1 ये गिवन आपके पास. ठीक है, तो इसमें भी आपको पहली पांच टर्म्स लिख के बतानी है. तो पहली पांच टर्म्स लिखने के लिए आप क्या करोगे, a1 तो है ही आपके पास है ना, 1 2 3 4 5 ये निकालनी है. तो जब आप a2 निकालोगे तो n की क्या वैल्यू पुट करोगे बेटा, देखो a2 तो n की तो 1 वैल्यू पुट की ना, 1 plus 1 n की तो वैल्यू 1 पुट करोगे तभी तो 1 plus 1 2 आएगा सेकेंड टर्म. तो यहाँ से 3a1+1 जब हमने n की वैल्यू 1 पुट की तब ये आया, यहाँ से 3 into a1 तो 1 दे रखा है प्लस 1 ये हो गया 3 plus 1 4 ये वैल्यू आ गया आपके पास 4. ठीक है, सिमिलरली आपको क्या निकालना है, a3 क्या होगा, देखो a2+1 है ना, a2+1 तो n की क्या वैल्यू है यहाँ पर, 2 n की 2 वैल्यू है तो यहाँ पर पुट कर दो 3 a2+1 और 3 a2 की वैल्यू आई है जो 4 वो की यहाँ पर प्लस 1 ये आपके पास आ गया 30. ठीक है, सिमिलरली आप क्या निकाल लो a4 और a5 निकाल सकते हो. ये आपकी सीक्वेंस की पांच टर्म्स होगी, लिख देना. ठीक है, फिर उसके बाद है थर्ड है, इसी का जो थर्ड पार्ट है आपके पास वो दे रखा है, इसी का थर्ड पार्ट दे रखा है a1 a1 is equal to 3 a2 is equal to 5 और an+2 is equal to an plus a n plus 1 ये दे रखा है. और इसकी भी आपको पहली पांच टर्म्स निकालनी है. तो पहली पांच टर्म निकालने के लिए फर्स्ट और सेकंड तो दे ही रखी है, तो a3 a4 a5 ये निकालना है आपको है ना. तो ये वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करो, देखो n की वैल्यू 1 पुट करोगे, 1 पुट करोगे तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा तो 3 आएगा. तो आप क्या करोगे, पहले पुट n इज इक्वल टू 1 तो आपके पास आ जाएगा a3 n की वैल्यू 1 है तो a1 plus 1 2 और ये वैल्यू पुट कर दी हमने 3 plus 5 ये हो गया a. सिमिलरली आप a4 और a5 निकालो. ठीक है, ये था आपके पास फर्स्ट. इस टाइप में तो कर लोगे सीक्वेंस की कितनी भी टर्म निकालनी हो आप निकाल सकते हो है ना.
उसके बाद है राइट द nth टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस. देखो अब तो क्या कर रखा था, nth टर्म दे रखी थी आपको और आपको उसकी हेल्प से पहले पांच टर्म लिखनी थी सीक्वेंस की. अब क्या है, सीक्वेंस के कुछ टर्म्स लिख के दे देगा, चार पांच जितनी भी, उसकी हेल्प से हमें क्या लिखना है, nth टर्म लिखनी है सीक्वेंस. ठीक है, जैसे फर्स्ट एरिया 1, 4, 9, 16 up to 4 ये दे दिया आपके पास. ठीक है, अब यहाँ से हम लिख सकते हैं सीक्वेंस के अंदर क्रम. A1 क्या है 1, A2 क्या है 4, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर. तो यहाँ पर पैटर्न बन जाए, इसमें मैंने 1 को भी क्या लिख लिया 1 का स्क्वायर. फिर A3 क्या है आपके पास 9 क्या है 3 का स्क्वायर. फिर A4 क्या है बच्चों आपके पास 16 क्या होगा 4 का स्क्वायर. तो पता चल तो गया An क्या आ जाएगा n स्क्वायर, तो ये आ गई n. ठीक है, ऐसे ही आप कर लोगे. ये तो था ये. फिर यहीं पे इसी का सेकंड पार्ट है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 up to 4 ये सीक्वेंस आपके पास. तो ये सीक्वेंस दिख रही है आपको, देखो A1 क्या है 1/2, A1 क्या है आपके पास 1/2, A2 क्या है आपके पास 2/3, A3 क्या है आपके पास 3/4 और A4 क्या है बच्चों आपके पास 4/5 यही है. अब एक बार देखो क्या दिख रहा है इसमें आपको, A1 1 है तो यहाँ पर भी 1 है, A2 यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, 3, 3, 4, 4 यही है. तो जो An आएगा उसमें क्या आ जाएगा, देखो इसको मैं लिख देती हूँ 1/5 और यहाँ पर क्या है 1+1, 2 फिर यहाँ पर 2+1, 3, 3+1, 4, 4+1 यही है. तो यहाँ पर इसको 1+1, 2/2, 2+1, 3/3+1, 4/4+1 तो ऐसे इसकी nth क्रम जब आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा ठीक है, कर लोगे इस टाइप के क्वेश्चन भी. ठीक है, ये कर लेना ट्राई की. उसके बाद आता है बाउंड्री बताना है आपको, कोई सीक्वेंस आपको कोई भी सीक्वेंस आपको दे दी जाएगी, आपको बताना है कि क्या ये सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं. ठीक है, आप एक बार देखो आपके पास जैसे ये एक सीक्वेंस दे दी A n = 7 nth टर्म की है, तो आप यहाँ से जब सीक्वेंस की टर्म्स लिखोगे तो A1 की क्या वैल्यू आएगी, कॉन्स्टेंट सीक्वेंस अलग से दिख रही है, मैंने बताया कि था आपको है ना, A1 7 आएगा, A2 8 की जगह 2 पुट करोगे तो भी वैल्यू 7 ही है, तो ये भी 7, 3 पुट किया तो भी 7 ही रहेगी, फिर 7 अब फिर 4 कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है. रेंज सेट क्या है इसका, इस सीक्वेंस का रेंज सेट अगर मैं आपसे पूछूँ तो क्या है, सिर्फ 7 डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स जो आपके सीक्वेंस के, तो सिर्फ 7 है, एक सिंगलटन सेट आ गया ये, और रेंज सेट फाइनाइट है. सीक्वेंस भी आपकी दिख रही है, सिर्फ एक 7 नंबर है, आप इसका लिस्ट अपर बाउंड भी देख सकते हो, बाउंडेड बिलो भी है, बाउंडेड अबो भी है, पता है. तो ये सीक्वेंस कैसी होगी आपकी, बाउंडेड. ठीक है, आ गया ये समझ. तो इस तरह से अगर कॉन्स्टेंट सीक्वेंस है तो कॉन्स्टेंट सीक्वेंस आपके पास हमेशा क्या होती है, बाउंडेड सीक्वेंस. फिर नेक्स्ट है आपके पास An = 2n + 3/3n + 4. देखो सबसे पहले तो ये देख लो कि ये जो आपकी सीक्वेंस है क्या ये कन्वर्ज करेगी या डाइवर्ज करेगी या ओसिलेटिंग होगी. तो अभी तो हमने सिर्फ कन्वर्जेंट के बारे में पढ़ा है, और कन्वर्ज कब करती है कोई सीक्वेंस, जब इसकी लिमिट फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए तो, है ना. तो अगर मैं इसकी लिमिट अप्लाई करूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी an, तो देखना क्या आएगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी क्या आ जाएगा बच्चों, 2n + 3/3n + 4 यही है, इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी. देखो यहाँ पर अगर आप n की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे और यहाँ पर भी, तो कौन सी फॉर्म बनेगी, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी. ये आप पढ़ चुके हो थर्ड सेम में, है ना,
तो इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, या तो एल हॉस्पिटल रूल लगाते हैं या देखते हैं और कुछ पॉसिबल है या नहीं। तो यहाँ पर तो हमें साफ दिख रहा है, अगर मैं एन को कॉमन निकाल लूँ यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो एक बार देखना है एन बाहर निकालना तो क्या बचेगा, थ्री बाय एन अपॉन, यहाँ से भी एन कॉमन निकाल लिया तो थ्री प्लस फोर बाई एन ये आ गया। अब इसमें एन से एन तो हो गया कैंसिल, हो गया। आप जब एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पुट करोगे तो थ्री बाई एन किसको टेंड कर जाएगा, जीरो को। सिमिलरली फोर बाई एन भी जीरो को टेंड कर जाएगा, तो ये लिमिट आ जाएगी टू बाई थ्री। ठीक है, यहाँ से जब आपने लिमिट पुट की तो आपके पास आया टू बाई जीरो अपॉन थ्री बाई जीरो, जो कि आ गया टू बाई थ्री। फाइनाइट नंबर आ गया, फाइनाइट नंबर आ गया, तो जो ये ए एन सिक्वेंस है ना, ये कन्वर्जेंट है, और किसको कन्वर्ज करेगी, टू बाई थ्री को। ठीक है, टू बाई थ्री को कन्वर्ज करेगी। अब ये सिक्वेंस टू बाई थ्री क्या आएगा, जीरो पॉइंट सिक्स 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 ऐसे ही चलते जाएंगे ना, तो आप हाँ ऐसे ही चलेगा सिक्स 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 ये। मतलब इस सीक्वेंस की सारी टर्म्स जो है ना वो इस नंबर के नज़दीक जाती जाएंगी, ये नंबर कभी नहीं आएगा है ना, पर इसी की तरफ अप्रोच करती जाएंगी। जैसे जैसे एन इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा वैसे वैसे ये सीक्वेंस इस नंबर की तरफ अप्रोच करती जाएगी, जैसे वन बाई एन बताया था मैंने। तो यहाँ से देखना एक बार, ये आपके देखो बुक में नहीं बता रखा, मैं वैसे बता रही हूँ आपको कि कन्वर्जेंट आप देखना चाहते हो तो रफली आप ऐसे देख सकते हो। वैसे भी अगर बाई डेफिनेशन नहीं आए आपके पास, एक तो ये आ जाए कि आप इस सीक्वेंस को प्रूव करो कि ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है बाय डेफिनेशन। अगर ये लिखा आ गया तो जो डेफिनेशन हमने अभी की थी उस डेफिनेशन से ही आपको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर ये नहीं आता आपके पास कि डेफिनेशन से करो तो आप ऐसे भी कर सकते हो। ये आ गया, अब मैं सीक्वेंस की कुछ टर्म्स देखना चाहती हूँ किस तरह से आ रहे। ए वन पुट किया मैंने एन की जगह पे, एन की जगह पे वन पुट किया तो क्या आएगा बच्चों, टू इंटू वन प्लस थ्री फाइव अपॉन सेवन, ये आई हमारी फर्स्ट टर्म। फिर ए टू निकालना मैंने, ए टू क्या आएगा फोर सेवन, एन की वैल्यू टू पुट किया इसमें, ठीक है, और अपॉन टेन। फिर ए थ्री नाइन अपॉन थर्टी, ऐसे ही अप टू, ठीक है। तो 5/7 क्या वैल्यू आएगी बच्चों, बताना एक बार, 5/7 वैल्यू क्या आएगी, 0.71। ठीक है, ए टू की क्या वैल्यू है, 0.7 जीरो भी लिख सकती हूँ। ए थ्री की क्या वैल्यू आएगी, 0.6 बताओ, सिक्स पॉइंट सिक्स समथिंग आएगी ना, क्योंकि 13/7 91 होता है ना आपके पास ही, तो ये तो वैल्यू 90 आएगी, तो 96 पे जाएगा और फिर आगे किस पे जाएगी, ये आएगी है ना, और आगे ठीक है, इससे कम आ गया ये नंबर है ना, 6/8 आएगा या 6/9 आएगा ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ से देखोगे आप तो पहली टर्म 0.71, फिर 0.70, फिर 0.69 या 6/8, ठीक है, इस तरह से आएंगे आपकी टर्म्स। तो यहाँ से आप क्या देख रहे हो कि सीक्वेंस की टर्म्स डिक्रीज होती जा रही है और इस नंबर की तरफ अप्रोच करेंगे। ठीक है, तो ये बाउंडेड हो जाएगी, और किसके बीच में हो जाएगी बाउंडेड वो नेक्स्ट में बताऊंगी मैं नेक्स्ट।